सैमसंग के कीपैड फ़ोन में सिम को कैसे स्विच करें, जैसे कि यहाँ पर जब हम जैसे कि इस नंबर पर कॉल लगाते हैं तो यहाँ देख सकते हैं सिम टू से ये जो है कॉल लग रहा है। अगर हमें सिम वन से यहाँ पर बात करें कॉल लगाना है तो कैसे हम इसको सिम वन पर सेट कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट सिम को जो यहाँ पर कॉल लग रहा है उसके लिए। तो यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाते हैं सिम कार्ड मैनेजमेंट में, तो ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर शो होता नहीं है जिससे आप इसको जो है यहाँ पर बात करें चेंज कर पाए। यहाँ से देख सकते हैं नेटवर्क में जाते हैं तो यहाँ से आप सिम को ऑन या ऑफ से ज़्यादा यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अब सिम को हम जो डिफ़ॉल्ट सिम है जब हम कॉल लगाते हैं उसके लिए कैसे इसको जो है हम स्विच कर सकते हैं, तो सिंपल सा ऑप्शन है। तो वो ऑप्शन क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे अब। तो यहाँ पर आप फ़ोन में देखें या यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखें नेटवर्क में, तो भी ऐसा कोई आपको ऑप्शन मिलता नहीं है सिम के स्विच के लिए। तो इसका क्या ऑप्शन है, कैसे आप इस यहाँ पर बात करें प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जो यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। कॉल सेटिंग्स में भी सिम से रिलेटेड, सिम डिफ़ॉल्ट सिम से रिलेटेड। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है यहाँ पर आपको ये जो हैच की है यहाँ देख सकते हैं, इसको आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है। तो यहाँ आपकी जो सेकंड सिम है वो फर्स्ट सिम पर सेट हो जाएगी। यहाँ देख सकते हैं ये जो फर्स्ट सिम यहाँ पर हाईलाइट हो गई अब, और इसके बाद आपका कॉल जो है सिम वन से लग रहा है। और यहाँ से अगर आप फिर से हैच की को लॉन्ग प्रेस जो है रखेंगे तो सिम फिर से स्विच हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सिम को स्विच कर सकते हैं इजीली।